जैसे क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसके उत्तर मिले और तीन चार चीजें पता चले कि हम सब सही करना चाहते हैं, गलती के समय गलती को सही मानते हैं और मजबूरी में गलती कर देते हैं। अच्छे कर्म करते हैं जीते जी तो वो हमारे लिए अपने आप में ही स्वर्ग है, ठीक है। अगर खुद को दुखी करके रहते हैं हम तो वो अपने आप में ही नर्क बन जाता है। मतलब जो है हमारी ज़िंदगी के साथ है, जो मैं कर रहा हूँ यानी वो स्वर्ग और नर्क मेरे साथ ही चल रहे हैं। अच्छे कार्य कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को ही अच्छा फील करूँगा और वो स्वर्ग होगा। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, कुछ भी बुरे कार्य करता हूँ तो वो अपने आप ही नर्क की श्रेणी में आ जाता है और मैं खुद को दुखी रखता हूँ। और व्यवहार दोनों करते हैं, कार्य से संस्कृति का जन्म होता है और व्यवहार से सभ्यता। किसी का सही मूल्यांकन करना ही सम्मान कहलाता है और सहभागिता विश्वास। आज तक हम संस्कृति और सभ्यता को एक ही चीज समझ रहे थे, आज हमें पता चला कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। संस्कृति अलग अलग चीजें हैं दोनों, और दूसरों को अच्छा करने से पहले हमें खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, एग्जाम्पल पेश करना पड़ेगा उनके सामने, तभी वो अच्छा बन पाएंगे, उनको हम समझा पाएंगे। और जो कोई गलती करता है तो हमें पहले उसको गलती का रियलाइज करवाना होगा कि आपने ये गलती की है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर हम उसको रियलाइज नहीं करवा पाते, ऐसे ही सजा दे देते हैं उसको, तो उस पर उसका कोई असर नहीं होगा। और कोई आप बोले। हकीकत में अभी हम लोग शरीर सापेक्ष रूप में देखते हैं और जो हमको दिखाई पड़ता है वही लगता है सही है, और फिर हम अपने दृष्टि से जैसे देखते हैं जिस कलर को हम पसंद करते हैं लगता है सभी लोग ऐसा ही पसंद करते हैं, जिससे करने के मतभेद पैदा होने लगा। और प्रिय हित लाभ के कारण अगर देखते हैं तो सभी को हम सार्वभौम बना नहीं पाते हैं, और जब जीवन रूप में देखते हैं तो सबको एक ऐसा देख पाते हैं। तो जो भी समाज में समूह बना है कि प्रिय हित लाभ की दृष्टि से ही बना है, जब हम जीवन रूप में देखेंगे तो सार्वभौम समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। और सबसे सही बात मुझे ये लगा, मुझे प्रश्न भी किया और मैं कल जाकर चिंतन भी किया कि हमसे अच्छे बच्चे हैं,
लेकिन हम बोलते हैं, लेकिन जब जीने की बात आती है तो व्यवहार हम बच्चों के साथ ऐसा कर नहीं पाते। हमने बहुत ऐसी चीज अपने कुकर में जाकर देखा, अपने रूम में सोचा कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सूचना हमें मिल चुका है। मिल चुका इसका मतलब वो सही नहीं है। वो सूचना के बावजूद हम सोचते हैं हम अच्छे हैं, और जब बच्चों की तुलना करते हैं तो हमको लगा कि बच्चा हमसे बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें नेचुरल गुण बना हुआ, वो गुण हमारे में धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। लेकिन जब व्यवहार करने की बात आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चा गलत है, हम सही है। वो मुझे बहुत टच किया और मैं प्रयास करूँ आगे से कि बच्चों के साथ उसी प्रकार से न्याय, मैंने जितना बच्चा है उसका सही सही मूल्यांकन। हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये तो बहुत समझदार है, किसी भी बंदे के लिए बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी समझदारी किस में है हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे। वो हमें कल पता चला है कि जो भी काम हम करते हैं, जैसे हम यहाँ पे आए हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपना जैसे सुबह उठते हैं, जो भी वर्क करते हैं हम, उसके बारे में कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका पता होना ही समझदारी है, और मुझे कल ही पता चला। अगर सही व्यवहार है तो वही सही है, और अगर वो गलत होता है तो गलत। मुझे यही बात ज्यादा टच की। आज इस शिविर का तीसरा दिन है। सबसे पहले हमने कि जीना कैसे है, क्यों जीना है, जीना क्यों है और कैसे जीना है, सबसे पहले दिन हमने ये सीखा था। शायद थोड़ा बहुत हम पहले भी इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे थे, और जैसा पाठक जी ने बताया काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई, लेकिन अब भी थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि जो पर्पस है, कि जीवन का पर्पस, असली पर्पस क्या है। शुरू के दिन आपने क्वेश्चन किया था और हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी, उसमें जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व जो ऐड किए थे, लेकिन पूरी तरह से वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। आज एक चीज़ और आज मॉर्निंग टाइम में मेरे साथ हुई। आज वैसे वर्किंग डे था स्कूल का, मुझे सुबह सुबह मैं तैयार हुआ तो मुझे फील हुआ कि मुझे शायद ड्यूटी पे जाना चाहिए। फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि शायद स्कूल में जाना चाहिए शिविर की बजाय। मुझे यहाँ से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, पता नहीं मेरे माइंड में क्यों आए। फिर मैंने विश्लेषण करना शुरू किया, फिर मैंने रामोदार जी के पास फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे है कि शायद मुझे वहाँ जाना चाहिए, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो इन्होंने थोड़ा सा आपकी तरह फिर मेरी ना समझी को समझ में लेकर के आए, तो फिर उसका प्रभाव पड़ा और मैं फिर यहाँ आया। पता नहीं ये चीज़ें फिर भी, मतलब इतना हम सीख रहे हैं, आज तीसरा दिन है, दो दिन हो गए हमें सीखते सीखते, फिर भी ये चीज़ें दिमाग में आ जाती है कि बस। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या रीज़न था आखिर में, ये चीज़ें अगर दो दिन से हम चीज़ें सीख रहे हैं, तीसरा दिन है तो मुझे यहाँ आ जाना चाहिए था, वो चीज़ मेरे दिमाग में क्यों आई? अगर वो आई है तो क्या सही है या गलत है? इसमें पूर्ण रूप से एक ही बात समझ आ रही है, चेंज भी हमारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। मानव का मानव के व्यवहार के साथ जो परिवर्तन लाना है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सब चाहते हैं कि भी हमारे साथ अच्छा बिहेव हो, लेकिन सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी होगी कि अगर हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं पहले हमें लाना होगा, तभी दूसरा हमारे साथ व्यवहार अच्छा। ठीक है, नहीं तो हम दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं कि भी हमारे साथ बिहेवियर अच्छा हो, हम समाज में चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा यहाँ पर शिविर लगाने का, अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते। होता है, और वो जो कार्य को करता है वही दर्शक होता है, वही दृष्टा होता है, और उसका खुद ही उसको भोग करना पड़ता है, वही भोगता होता है। डिस्कस किया कि हम समझदार होते हैं पहले की बजाय, लेकिन मुझे कुछ डाउट्स है कि आज का इंसान पहले से समझदार ज्यादा नहीं हुआ। पहले भी नहीं पता था दोस्ती क्या चीज होती है, फिर भी लिख जाया करती थी। आज हम पढ़ सकते किताबों में व्यवहार से सीखते दोस्ती क्या है, फिर भी नहीं चलती। पहले पति पत्नी को नहीं पता था कैसे जीना है, फिर भी मर निकल जाती थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। आज हमें सब कुछ पता है, आसपास से सीख सकते हैं, किताबों से पढ़ सकते हैं, नेट से सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी पति पत्नी रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है, इतना पता होते नहीं। पहले भी नहीं पता था प्यार कैसे करते हैं, वैसे लिख जाया करता था। आज हम सीखते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, फिर भी प्यार उस स्टेज तक नहीं जा पा रहा, प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों में, पर हम समझदार हम अपने आप को नहीं मान सकते इस तरीके से। पहले हम क्या खाते थे? कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ गेहूं चना दो दाल रोटी खाते थे, तब भी स्वस्थ थे।
आज हमें पता है प्रोटीन विटामिन किस चीज में है, फिर भी डॉक्टर के पास जाते बीमार रहते हैं। कल सर ने बताया कि हमारी उम्र लंबी हो गई है, पहले 60 में मरते थे 80 में मरते हैं। हमारी उम्र जो लंबी हो गई लेकिन हमारा स्वास्थ्य का स्तर और खाने का स्तर गिर गया है। हम पहले बीमार नहीं होते थे, या तो कोई बीमारी होती थी तुरंत मर जाते थे, लेकिन आज सारी उम्र बीमार रहते हैं, सिर्फ लंबी उम्र खींचते हैं, 60 से 80 तक चले जाते हैं, लेकिन बीमार हम 30 साल से लेकर 80 तक चलते रहते हैं। पहले हम 60 तक बीमार नहीं, बीमार हो गए तो ऐसी बीमारी मर जाते थे कम से कम, वो मुझे ठीक लगता था। आज हम हर रोज गोलियां खाते हैं, दवाइयां लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, हम 60 से 80 तक जरूर चले गए हैं लेकिन स्वस्थ नहीं है। ये कुछ डाउट थे कि हम समझदार अभी नहीं मान सकता। साइंस ने आदमी के साथ अच्छी चीजें की हैं लेकिन वो प्रकृति से हट के की है। अगर वो प्रकृति के साथ होती तो इंसान इतनी प्रॉब्लम नहीं सहता। कि ज्यादातर लोगों का ये कहना है हमको बदलना पड़ेगा, है ना, ऐसा लगता है कि बदलना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना, कोई मजबूरी है हमको बदलना, है ना, कुछ एक दबाव है ऐसा आप महसूस करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बदलने में ही आप सुखी हो, उससे पहले आप सुखी नहीं हो सकते। तो बदलना, अपने को बदलना जो है उत्सव है, बदलना पड़ेगा, कोई मजबूरी नहीं, ये बात समझ में आती है। हम यदि नासमझी में जी रहे हैं, है ना, तो तकलीफ में है, तो भाषा ये होना चाहिए हमको इस तकलीफ से निकलना है, हमको बदलना पड़ेगा, मतलब मजबूरी है, ऐसा लग रहा है कोई मजबूरी है। हम यदि विश्वास से जीते हैं, यदि हम इसको सीखते हैं, तो ये उत्सव है कि मजबूरी है, तो उत्सव है, है ना। हम अपने संबंधों में, परिवार में अच्छे से जी पाते हैं, है ना, तभी तो उत्सव होगा। अभी हम मजबूरी में जी रहे हैं, संबंधों को ढो रहे हैं, अभी स्थिति है। यदि हम ये सीख जाते हैं तो संबंधों में जी पाए, संबंधों का जो सौंदर्य है, संबंधों का जो संगीत है, जो आनंद है, उसमें जी पाएंगे, है ना। अभी जो जी रहे हैं वो मजबूरी है, इसको समझ लीजिए। और ऐसा लगता है जैसे मूल्य शिक्षा या मूल्यों को अपनाना जो है मजबूरी है। हम लोगों की अभिव्यक्ति में भी ऐसे ही आ जाता है, जैसे सम्मान करना कोई दुख की बात है। हम कहते हैं कि हम कब तक सम्मान करें, कब तक विश्वास करें, कब तक प्रेम करें, ऐसा लगता है कि प्रेम करना कोई बहुत भारी चीज, सम्मान करना कोई कष्ट की बात है, विश्वास करना जो है ना कोई कष्ट की बात। हम कब तक न्याय से जिएंगे, हम ऐसा बोलते हैं। भाई न्याय से जीना ही जो है उत्सव है, न्याय से जीना ही जो है सुख है, न्याय से जीना ही अच्छा है, उसी में मजा है। अन्याय से जीने में कोई मजा नहीं, अन्याय तो पीड़ा है, संतरास है, तनाव है, एक प्रकार की घटन है ना, दुख है। तो हम सब दुख से निकलना चाहते हैं, तो इसलिए कोई बदल, हमको बदलना पड़ेगा, इस तरीके की अभिव्यक्ति आना जो है ना, इसको आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा कि कहीं आपकी समझ पूरी नहीं हुई है मूल्यों के बारे में, है ना। दूसरा आपका एक प्रश्न था कि आपको ऐसा क्यों लगा, इसमें दो तीन कारण हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैं विश्लेषण में नहीं जाऊँगा। एक कारण ये हो सकता है कि आपको शायद यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि समझ में आ गया हो, आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव आ गया हो। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप अभ्यास पूर्वक, क्योंकि आप रोज स्कूल जाते हैं तो अभ्यास पूर्वक मन में आ जाता है, है ना, कार्याभ्यास है वो आपका, रोज स्कूल जाना है, तैयार हो गए तो आपको लगा चले स्कूल चलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर बाद में याद आया होगा कि अभी तो शिविर में भी जाना है, फिर आपके अंदर तुलन शुरू हो गया होगा कि शिविर में जाना ठीक है या स्कूल जाना ठीक है। निर्णय नहीं ले पाए तो आपने अपने प्रिंसिपल साहब से, जो प्राचार्य है ना, क्या है सर ने आपसे सलाह कर ली क्या क्या ठीक रहेगा, तो उन्होंने आपसे कहा कि शिविर जाना ठीक हो, फिर आप इस निर्णय पे आ गए कि नहीं शिविर में जाना ठीक है। तो ये सब एक प्रोसेस है, ये मूल्यांकन जो है निरंतर चलता रहता है, इसको तो खुद ही आपको जाँच के देखना है ना। हमको जो चीज़ उपयोगी लगती है हम सौ काम करके आते हैं, है ना।
तो यदि उपयोगी नहीं लग रहा है, ऐसा आपको लगता है, तो इसको आपको जांच के देखने की जरूरत है कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं। क्योंकि यदि आप ये कहते हैं हमको उपयोगी नहीं लगता है और उपयोगी लगता है, तो एक जो सोच विचार के जीने वाला व्यक्ति है ना, उसको फिर ये बताना भी चाहिए कि क्यों उपयोगी नहीं लग रहा है या क्यों उपयोगी लग रहा है ना। आप अपना समय लगा रहे हैं यहाँ पर, तो यदि आपने दो दिन लगाया, आपने 12-13 घंटे लगाए, 12-13 घंटे लगाने के बावजूद भी यदि आपको उपयोगी लगता है तो क्यों लगता है, उपयोगी नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, यदि आप ये बता पाते हैं तो फिर आप न्याय कर पाएंगे मेरे साथ भी बाकी लोगों के साथ। यदि आप नहीं बताते हैं तो उससे फिर ये निष्कर्ष निकलता है कि आप कैजुअली जीते हैं, किसी ने कहा तो शिविर में आ गए, मन किया तो नहीं आ गए, चले गए, है ना। आप बहुत गंभीरता से जीना जीते नहीं, तो मूल्यांकन इस दिशा में जाएगा। ठीक है, दो बातें हुई। तीसरी बात है, आपने पूछा दुल्हन क्या चीज होता है, तो मैंने ये कहा कि जो यहाँ पर दुल्हन बताया है, दुल्हन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ों के हम संपर्क में आते हैं उसका जो प्रभाव होता है हमारे अंदर, और जो प्रभाव हमारे अंदर पहले से है ना, उन दोनों के बीच में हम तुलना करते हैं। तुलन का मतलब है तुलना करना। तो क्या तुलना करते हैं, अपने आप ही होता है। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो आप 50 कपड़े देखते हो, तो कपड़ा देखते हुए आपके मन में जो पुराने पहले से देखे हुए रहते हैं उससे तुलना चलती रहती है, नहीं चलती। जैसे आप खाना खाने जाते हो किसी होटल में, तो खाना खाते समय आप मीनू देख के आपके मन में तुलना चलती रहती है, आज ये खाया जाए, ये खाया जाए, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये तुलना चलती है। आप कोई किताब की दुकान में जाते हो तो कंपैरिजन चलता रहता है किताब खरीदने से पहले, है ना, कौन सी खरीदना चाहिए, पिछली बार इंडिया टुडे खरीदी थी है ना, तो वो ज़्यादा अच्छी थी, एक बार हमने दूसरी खरीद ली थी उसको उतना अच्छा मज़ा नहीं आया, ऐसे ऐसे कंपैरिजन। ऐसे ही मूवी देखते हो आप तो मूवी में चलता रहता है ना, चश्मा खरीदने जाते हो तो आप देखते हो यार ये वाला तो इस तो प्रकार का पहन के देख लिया है ना, ये मेरे चेहरे पे ये ज़्यादा ठीक लग रहा है ना, ये कलर ज़्यादा ठीक है, इस तरीके से हमारे अंदर कंपैरिजन चलता रहता है ना। इसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि मानव जाति में यदि हम तुलन को देखते हैं तो उसको कुछ चीज़ प्रिय और अप्रिय लगती है ना, कोई चीज़ हमको अप्रिय लगती है, कोई प्रिय लगती है, तो हम प्रिय और अप्रिय के बीच में और प्रिय प्रिय के बीच में अप्रिय अप्रिय के बीच में भी तुलना करते हैं, है ना। एक तो तुलना करते हैं हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, तो हम कहते हैं ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, ये थोड़ी सी उतनी बुरी तो नहीं लगती पर थोड़ी सी ठीक नहीं लगती। एक होता है कि ये हमको अच्छी लगती है, इससे भी अच्छी ये चीज़ लगती है, ऐसा भी तुलना होती है ना। तो मैंने कहा कि ये जो तुलना है प्रिय और अप्रिय के आधार पर होती है, ये इंद्रियों के आधार पर,